एनआईएस ने एक बड़ी अपडेट निकल के दे दिए गए हैं कि यदि आप कोई फेल करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ करने होंगे और रिजल्ट कब तक आएंगे, और इसके साथ ही साथ सेकेंड ईयर के फी के बारे में बताए गए हैं। तो क्या है इन सभी के बातों के जानकारी देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। हमारे डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आज जो हम जो बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड कहते हैं, उन सारे कैंडिडेट, उन सारे टीचर्स के लिए जो एनआईसी करेंगे उनके लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी अपडेट क्या है कि एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में क्या क्या चीज़ होंगे, और यदि कोई कैंडिडेट फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते हैं तो उसका एग्जामिनेशन किस प्रकार से दे सकते हैं, और जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होंगे उसका कब तक होने की संभावना, इसके साथ साथ सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है या नहीं है, इन सारे बातों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग आपको ले जाते हैं एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट, फिर वहां से आपको पूरा का पूरा क्लियर करके आपको बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोग जो है nis.ac.in पर आ चुके हैं, डीएलएड का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर जैसे आप ऑनलाइन सबमिशन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं या टीचर सेक्शन पर जाके, यहाँ टीचर सेक्शन पर जाके इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं, या तो आप इस ऑप्शन पर डायरेक्टली क्लिक करते हैं, वैसे आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस आपको अपडेट कर की गई। तो इसी के विषय में यहाँ पर चर्चा करने वाले, इसमें पूरा का पूरा काफ़ी अच्छे अच्छे डिटेल्स दिए हुए, यहाँ पर इंग्लिश वर्सन से दिए गए और यहाँ पर हिंदी वर्सन से भी दिए गए, दोनों लैंग्वेज में दिए गए। तो सबसे पहला अगर पॉइंट हम लोग बात करते हैं तो लिखे हुए डीएलएड के सभी शिक्षकों के लिए दूसरा साल के पंजीकरण अनिवार्य है। यानी कि अगर आप परीक्षा दिए हैं चाहे नहीं दिए, आपका रिजल्ट आया है चाहे नहीं आया, आपको सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए आप सभी को पता है कि टोटल जो चार्ज कितने लगे हैं वो नीचे आपको दिए गए हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर लिखे हैं द्वितीय वर्ष पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन 7 जून से 7 जुलाई 2018 तक ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। यानी कि आपको जो है टोटल जो है 7 जून से लेकर 7 जुलाई तक आपके पास समय है, आप इसी के बीच में आप अपना जो है पंजीकरण करवा लें। इसके साथ ही साथ ये भी लिखे हैं कि द्वितीय वर्ष का पंजीकरण 7 जुलाई 2018 को अंतिम तिथि के बाद फिर से नहीं खुलेंगे। यानी कि लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अंतिम मौका आपको मिल रहे हैं कि यदि आप 7 जुलाई तक यदि आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करने के लिए मिले जाएंगे, यानी दोबारा आपको डेट को फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 7 जुलाई से पहले पहले आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल फी ऑफ 6000 यानी 6000 रुपये पर टीचर्स फॉर सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि आपको जो है 6000 रुपये आपको फी भरने हैं आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेकेंड ईयर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखें कि पहली सेमेस्टर परीक्षा में असफल या अब्सेंट, मतलब कि यदि आप पहले सेमेस्टर में 501, 502, 503 में किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जामिनेशन में अगर आप किसी कारणवश फेल करते या आप नहीं दे पाएँ तो उनके लिए यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है। लिखे हुए शिक्षक परिणाम की घोषणा के बाद परीक्षा के लिए उचित पंजीकरण के बाद फर्स्ट वर्ष की आगामी परीक्षा में शामिल होंगे। ऐसे शिक्षकों को भी 7 जुलाई 2018 तक दूसरे वर्ष के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता है। कैंडिडेट फेल होंगे या जो अब्सेंट किए उनको भी करना जरूरी है और इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आप रिजल्ट का वेट ना करें, आप जो है आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर ले, और यदि किसी कारणवश फेल होते या अब्सेंट करते तो नेक्स्ट जब आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होंगे उसमें आप बैठ के एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। यह एक बहुत ही बड़ी खबर थी। या रिजल्ट का अगर बात करते तो रिजल्ट में अभी देरी है, रिजल्ट आपको कम से कम जो है सितंबर माह तक आएंगे, क्योंकि अभी जो है एनआईएस ने बहुत बड़ी तैनात में एग्जामिनेशन लिए हैं। बहुत सारे लोगों का कैंडिडेट हैं जिनके कॉपी को चेक करने के लिए थोड़ा सा वह ज़्यादा से ज़्यादा समय ले रहे हैं। तो वीडियो में किसी भी प्रकार का समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन दोस्तों की मदद कर दें जो अभी तक इनका इन्फॉर्मेशन नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार का समस्या है तो कमेंट लिख कर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।